अब हम एक सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में फील्ड एंड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क अगर थीटा नॉट एंगल सबटेंड कर रही है, यानी इसका पूरा एंगल ये क्या है, थीटा नॉट है, तो उस केस के अंदर इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। अगर हम सेंटर से थीटा डिस्टेंस पे डी थीटा का थिकनेस का बोले, इसकी लेंथ कितनी आएगी, आर डी थीटा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। और वही जो मैंने आपको रिंग वाले केस में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी और यहाँ से भी अगर मैं थीटा नॉट पे लूँ तो वो भी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो एक तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएगी और सिर्फ एक्स वाला इसका कॉम्पोनेंट बचेगा। तो इसकी वजह से नेट कॉम्पोनेंट सिर्फ डी ई कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डी ई कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको वेरिएट कहाँ से करेंगे, फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू थीटा बाय टू, सॉरी माइनस थीटा नॉट बाय टू टू प्लस थीटा नॉट बाय टू इंटू डी ई की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ये तो आपका हो गया क्यू, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये आपका टोटल ई हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 2 sin θ0/2। अब लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा क्या होता है, यूनिट पर चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, क्यू जो कि टोटल चार्ज है इसका, अपॉन आर थीटा नॉट। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पर डालेंगे तो आपकी सिंपली वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू साइन θ0/2 अपॉन θ0/2। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक और चीज़ देखें कि अगर ये रिंग हमारी पूरी हो जाती है, यदि थीटा नॉट की वैल्यू 2π हो जाती है और ये रिंग हमारी पूरी हो जाती है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, आप यहाँ पे थीटा नॉट इज इक्वल टू 2π डालेंगे तो ये कितना आएगा, साइन पाए 2π/2 इज इक्वल टू पाए, तो साइन पाए कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब जो आपने पहले भी केस देखा था उसके अंदर अगर आपकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है तो उसके अंदर सेंटर पे ई की वैल्यू 0 हो रही थी। मैंने आपको फॉर्मूला भी जब रिंग वाला था उस केस के अंदर एक्सियल वाले पॉइंट्स पर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो बताया था qx अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रेस्ट पावर ऑफ 3/2 और x इज इक्वल्स टू 0 पर, यानी इसके सेंटर पर ई की वैल्यू 0 थी। तो सेम चीज़ आई हमारी इसी से, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें।